एजेंसियों के आह्वान पर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर अप्रत्यक्ष चुनाव के विरोध में छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। अनेक स्थानों पर पुलिस ने छात्रों पर हल्का बल प्रयोग किया। रोहतक सहित अनेक शहरों में इंसो के कार्यकर्ताओं ने सरकार का विरोध करते हुए प्रत्यक्ष चुनाव करवाने की मांग की। उधर दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत करते हुए इंसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए छात्रों पर किए बल प्रयोग की निंदा की। वहीं उन्होंने जोरदार शब्दों में यहां तक कहा कि वे 17 अक्टूबर को न केवल अप्रत्यक्ष चुनावों का विरोध करेंगे बल्कि चुनाव नहीं होने देंगे। देखिए कैथल से नवीन मल्होत्रा, चंडीगढ़ से अखिल भाटिया व पलपल के संवाददाताओं की एक विशेष रिपोर्ट। वजह जो ये कमेटी की रिपोर्ट आई है और सरकार ने जिसको इम्प्लीमेंट किया है, इसमें बहुत अनियमितताएं हैं। ये केवल मात्र बीजेपी और एबीवीपी के चुनाव बनकर के रह गए। बात नॉमिनेशन से शुरू करूं तो नॉमिनेशन के अंदर जिसको स्क्रूटनाइज करने के लिए सारी ताकत दी गई है वो वाइस चांसलर को और प्रिंसिपल को दी गई। जब सारी ताकतें उनके पास होंगी और एक ऐसे समय पर जब बीजेपी ने सभी आरएसएस के लोगों को इन यूनिवर्सिटियों का हेड बना के रखा है, तो फिर वो निश्चित तौर पे दूसरे लोगों के स्क्रूटनी के अंदर उनकी कैंडिडेचर को ख़त्म करने का काम करेंगे। उसके बाद अगर इलेक्शन 1% हो भी जाए और जिसके अंदर ठीक लोग जीत करके आएंगे, उनको पुलिसिया बल के तहत जो है उसमें लेकर के, कस्टडी में लेकर के, और फिर जहां पर फर्दर इलेक्शन की वोटिंग होगी वहां ले जाया जाएगा। फर्दर इलेक्शन जो है वो रात को होगा और उसके अंदर वाइस चांसलर, डीएसडब्ल्यू और पुलिसिया बल होगा। इसका मतलब ये है कि कोई इंडिपेंडेंस नहीं, कोई फ्रीडम नहीं, कोई राइट टू से नहीं, राइट टू स्पीच नहीं। ये तो गुंडागर्दी हो गई। ऐसे चुनाव तो हमने तालिबान और पाकिस्तान में भी होते नहीं छुने थे जो खट्टर साहब इंप्लीमेंट करना चाहते हैं हरियाणा में। तो हम डटकर इसका विरोध करेंगे। हम नॉमिनेटेड शब्द से पहले से विरोध में थे और अब इस सरकार ने कह दिया कि इस एग्जीक्यूटिव के अंदर कुछ सदस्य ऐसे होंगे जो नॉमिनेटेड होंगे स्पोर्ट्स के नाम पर, कल्चर के नाम पर और एकेडमिक्स के नाम पर। तो हम इसका शुरू से विरोध कर रहे थे। ये सारी बातें और लिंगदो कमेटी की सारी रिपोर्ट को साइडलाइन कर देना और इस हिसाब से चुनाव करवाने का जो इनका नजरिया है, जो तरीका है, उसको आज प्रत्यक्ष चुनाव संघर्ष समिति जो हमारी छात्रों की है उसने सिरे से खारिज कर दिया। हम ना केवल कल प्रदर्शन करने जा रहे हैं, अभी तो 17 तारीख जब आएगी, हम डट के इसका विरोध करेंगे, बल्कि चुनाव बॉयकॉट नहीं करेंगे, चुनाव होने से भी रोकेंगे।